अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले नान। आलू वाले नान घर में आसानी से तैयार हो जाते हैं। मैं आपको तंदूर में लगाना बताऊंगी कैसे बनते हैं घर में नान। इनके लिए मैंने मैदा लिया है 1 पाव, जो कि 2 कप है। यीस्ट ली है मैंने 1/2 टीस्पून। चीनी ली है 1 टीस्पून। दही लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। नमक 1/2 टीस्पून। ऑयल 2 टेबल स्पून। आधा कप मैंने दूध लिया है। दूध से नान बहुत ही नरम बनते हैं। पानी लिया है मैंने हसबे जरूर, अगर पानी की ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए चीज़ें सारी। सबसे पहले डो बना लेते हैं। एक बड़ा बाउल लिया है मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैदा ऐड करेंगे, घी स्टार्ट करेंगे, चीनी, ये पीसी चीनी मैंने डाली है इसके अंदर, नमक जाएगा। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मैदे के अंदर। अब इसके अंदर ऑयल जाएगा, 2 टेबल स्पून ऑयल है। दही जाएगा, मैदे में मिक्स करेंगे सारी चीजें और थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड करूंगी मैदे के अंदर और डो बनाएंगे। सारा दूध मैंने ऐड कर दिया, अगर जरूरत होगी हम पानी इस्तेमाल करेंगे। अब हाथ की मदद से मैं गूंद लेती हूँ डो को। डो ज्यादा ना नरम हो ना ज्यादा सख्त हो, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर में वैसी डो होनी चाहिए। अब थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे साथ। दो से तीन चम्मच पानी के लगे हैं। डो मैंने गूंद ली है, इस तरह से डो होनी चाहिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम डो को ढक के रखेंगे आधे घंटे के लिए, जब तक ये साइज में डबल हो जाए। अब मैं नान की स्टफिंग तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद। इसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है, मोटा मोटा मैंने मैश किया है। प्याज लिया है 1, मैंने इसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज़ मिर्ची ली है मैंने 1 अदद, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको मैंने बारीक चॉप किया है। सब्ज़ धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। जीरा मैंने लिया 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। पैन लिया है मैंने, इसके नीचे मैंने बिल्कुल हल्की आग जलाई है, तेज़ ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी। इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा पकाएंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज करना है। प्याज को मैंने हल्का सा पका लिया है। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, हल्का सा मिर्चों को पका लेंगे। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे और इनको हल्का सा पकाएंगे मिक्स करके। मसाले मैंने पका लिए हैं हल्के से। अब इसके अंदर आलू ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मसालों के अंदर। और
साथ ही मैं धनिया ऐड करूंगी। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, अब मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ। डो हमारी साइज में डबल हो गई, अब नान बनाना शुरू करते हैं। अब मैं डो के पेड़े बना लेती हूँ। ये दो पेड़े बनेंगे इस डो से। अगर आपने ज़्यादा नान बनाने हैं तो आप इस रेसिपी को डबल कर लें। ये देखें, दो पेड़े तैयार हो गए हैं इसके। दूसरा बना लेती हूँ। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे और इसको बेल लेंगे। इतने साइज का बेल लेंगे। अब इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। इस तरह से स्टफिंग रखेंगे। अब इसको उठाएंगे यहां से और इस तरह से इसको बंद करते जाएंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे हाथों से और इसके ऊपर लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह। पानी लगाने से नान फिर खुलता नहीं है, अच्छी तरह बंद हो जाएगा। और इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अब थोड़ा सा मैदा और रोस्ट करेंगे और इसके दोबारा से इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे इसको। बस इतना ही काफ़ी है। ये लकड़ी का मेरे पास चम्मच है, इसके पीछे की मदद से हम डिज़ाइन बना लेंगे ऊपर। इस तरह से दबा के एक छुरी ली है मैंने, इसके साइडों पे कट लगा लेते हैं ताकि नान हमारा ज़्यादा फूले ना। इस तरह से कट लगा लेंगे। नान पे मैंने डिज़ाइन कर ली है, अब इसको एक साइड पे रखती हूँ प्लेट में। इसको उठाएंगे, ये देखें कितना खूबसूरत नान बना है। अब दूसरा भी मैं इसी तरह बेल लेती हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। दोनों नान मैंने तैयार कर लिए, अब तंदूर में लगाते हैं इसको। ये नान लगाने वाली मेरे पास गद्दी है, इसके ऊपर रख के तंदूर के अंदर नान लगाएंगे। अब गद्दी के ऊपर नान रखते हैं। सबसे पहले पानी लगाएंगे नान को हल्के हाथों से। इस तरह से पानी लगाएंगे। गद्दी को मैंने गीला कर लिया, इधर भी दोनों साइडों से लगेगा पानी। अब डिजाइन वाली जो साइड है वह नीचे रखेंगे, गद्दी की साइड पे ऐसे इस तरह से लगाएंगे। तंदूर को मैंने गर्म कर लिया, अब इसके अंदर नान लगाते हैं। अब इसको कवर कर देंगे। दूसरा नान भी मैं इसी तरह लगा देती हूँ। नान हमारा तैयार हो गया, 2 मिनट लगे नान को। अब इनको उतार लेती हूँ। दूसरा नान भी उतार लेते हैं। दोनों नान हमारे तैयार हो गए, अब इसके ऊपर घी लगाते हैं। घी कोई भी आप लगा लें, देसी घी भी लगा सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे नान बने हैं घर में। घर में आप आसानी से नान बना सकते हैं। अभी अभी मैंने उतारे हैं नान तंदूर से, 2-3 मिनट बाद बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं नान, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
घी मैंने लगा दिया दोनों के ऊपर। ये देखिए कितने सॉफ्ट नान बने। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही नरम नान बनते हैं, मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। ये देखिए ये देखें कितने नरम है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।